ये क्वेश्चन जो है इसमें एक कार्ट है जिसका एम्प्टी कार्ट का मास है एम नॉट, और इनिशियली कार्ट की वेलोसिटी जीरो थी। कार्ट पे एक स्टेशनरी हॉपर से सैंड गिर रही है और सैंड कार्ट से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो हमें किसी भी टी टाइम पे कार्ट की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं। और हम अगर एक इक्वेशन बनाएं इस कार्ट की, तो हम बोलेंगे कि एट टाइम टी, किसी टी टाइम पे, एट टाइम टी अगर हम कार्ट पे देखें, तो कार्ट पे आगे एफ लग रहा है, और क्योंकि कार्ट का मास बढ़ता जा रहा है तो कार्ट का म्यू पॉजिटिव है। और मान लिया कि कार्ट की वेलोसिटी वी है, तो जो वी रिलेटिव होता है वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। जो मास सिस्टम पे गिरा नहीं है अभी, जो सैंड सिस्टम पे गिरी नहीं है हवा में, उसकी वेलोसिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली सैंड जो हवा में है उसकी वेलोसिटी एक्स में ज़ीरो है, और क्योंकि सिस्टम आगे जा रहा है तो सिस्टम के आगे वी आई कैप है, तो वी रिलेटिव है माइनस वी आई कैप। तो जो थ्रस्ट फोर्स होगी वो होगी म्यू इंटू वी रिलेटिव। तो थ्रस्ट फोर्स होगी माइनस ऑफ म्यू इंटू वी आई कैप, विच मीन्स कि थ्रस्ट फोर्स इस पे पीछे लग रही है, इसको रिटार्ड कर रही है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो मैं बोलूँगा कि एफ माइनस एफ थ्रस्ट विल बी इक्वल टू एम ए, जहाँ पे एम उसका इस टी टाइम पे मास है और एफ कांस्टेंट है। तो ये एफ माइनस थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू वी, और एम हो जाएगा म्यू इंटू टी प्लस एम नॉट, वेयर एम नॉट जो है वो इसका खाली कार्ट का मास था। ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाय डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन म्यू टी प्लस एम नॉट इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन एफ माइनस म्यू वी इंटीग्रेशन। लिमिट लगेगी यहाँ पे ज़ीरो से टी, और यहाँ पे लिमिट लगेगी ज़ीरो से वी। तो ये जो आएगा ये जाएगा एल एन म्यू टी प्लस एम नॉट डिवाइडेड बाय म्यू, लिमिट लगेगी ज़ीरो से टी, और उधर आएगा एल एन एफ माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय माइनस म्यू, लिमिट लगेगी फ्रॉम ज़ीरो टू वी। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, और जब आप लिमिट रखेंगे तो एल एन म्यू टी प्लस एम नॉट, और जब ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एम नॉट बचेगा। तो ये हो जाएगा इधर एल एन एफ माइनस म्यू वी, और जब ज़ीरो रखेंगे माइनस यहाँ चल रहा है एक, और जब आप ज़ीरो रखेंगे तो नीचे एफ बचेगा। तो आप जानते हैं कि एंटी लॉग लेंगे और ये जो माइनस है उसको यूज़ करके आप इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा म्यू टी बाय एम नॉट प्लस एम नॉट, और उधर माइनस को यूज़ करके ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें वी निकालना है, तो हम माइनस को इधर यूज़ करते हैं और हम इसको ऐसे लिख देते हैं एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी को यहाँ लिख दिया वन माइनस म्यू वी बाय एफ, और इस हिसाब से म्यू वी बाय एफ आ गया वन माइनस एम नॉट बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू टी बाय एम नॉट प्लस म्यू टी, और म्यू से म्यू कैंसिल होगा और वी आ जाएगा एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है कि एक ये वायर है जिस पे एक बीड है, मतलब एक मोती है, और उसका मास है 2m, और ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है l, और ये दूसरा मास है m। अब आप ये नोटिस कीजिए कि
जिनके बीच की दूरी है एल। अब ये बोला है कि इसको छोड़ दिया है सिस्टम को, और जब ये दोनों पास में आएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बीड और ब्लॉक जो है उनका जोड़ने वाली जो स्ट्रिंग है वो कुछ एक्यूट एंगल बना रही होगी। इस केस में हमको बताना है कि ये बीड कितना स्लिप होके आई। तो हमने माना कि ये बीड एक्स एक्सिस में x1 स्लिप हुई और ये मास एक्स एक्सिस में पीछे x2 स्लिप हुआ। अब मैंने पीछे इसीलिए माना है क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो था, और क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इसीलिए सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो भी ज़ीरो रहेगा। तो अगर एक बीड आगे आई है तो वो मास पीछे जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले अपन अगर मास मूवमेंट की इक्वेशन लिखें तो अपन बोलेंगे 2mx1 किसके बराबर होगा mx2, और x2 हो जाएगा 2x1 फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली कितना चले, तो ये दोनों चले x1 प्लस x2, और इनके बीच की दूरी पहले l थी और अब अगर आप देखेंगे कि इनके बीच की दूरी x एक्सिस में कितनी हो गई, तो x एक्सिस में ये दूरी हो जाएगी l cos थीटा। तो ये एक दूसरे के रिलेटिवली चले l माइनस l cos थीटा। तो यहाँ अगर मैं x2 की वैल्यू रख दूँ तो ये 3x1 हो जाएगा l कॉमन 1 माइनस cos थीटा, और x1 आ जाएगा l बाय 3 1 माइनस cos थीटा। हमें ये x1 ही निकालना था क्योंकि x1 है जो ये बीड 2m की बीड है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक चेन है जो कि एक टेबल के ऊपर हमने पकड़ के रखी है इस तरह से, और चेन की लेंथ है एल और चेन का मास है एम। अब हमने इस चेन को छोड़ दिया, और जब चेन को छोड़ा तो चेन का जो ये टॉप पॉइंट था ये कुछ डिस्टेंस नीचे आ गया। तो ये नीचे आया एल बाय 8। तो हमें बताना है कि जो ये चेन टेबल के ऊपर है अभी, इसका मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले हम अगर इसकी वेलोसिटी लिखें तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, और वो होगा √2gh जो है आपको दिख रहा है h है चेन कितना नीचे आई। तो ये मास नीचे आया l बाय 8, तो आप देख सकते हो कि हो जाएगा √gl/2। दूसरी बात कि अगर आप इसका मास देखेंगे तो ये जो लेंथ है ये 7l/8 है, तो ऑब्वियसली इसका मास होगा 7m/8। तो जो इसका मोमेंटम होगा चेन का वो होगा 7m/8 √gl/2। तो हो जाएगा p बराबर 7m/16 √gl। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जैसा एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं एन, और ये पॉलीगन एक सर्कल जिसका रेडियस है आर उसके अंदर बनता है। तो ये पॉलीगन की ये जो साइड होगी ये सारी ए हो जाएंगी, और जैसा ये रेगुलर पॉलीगन है तो हम ये जानते हैं कि ये 260 डिग्री एंगल एन साइड्स में डिवाइडेड होगा। तो ये एक एंगल हो जाएगा 2π/n, तो ये भी 2π/n होगा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी 2π/n होगा। और ये ऐसे हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, और ये एंगल भी इनके इक्वल है। तो अगर हम माने कि लेट सपोज ये एंगल एक्स है, ये एक्स है, तो x+x+2n इनफैक्ट 2π/n
ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2 पाए, इनफैक्ट ये हो जाएगा पाए। तो आप देखें 2x हो जाएगा पाए माइनस 2 पाए बाय एन, तो x हो जाएगा पाए बाय 2 माइनस पाए बाय एन। तो ये x है तो ये भी x होगा। तो अगर ये एंगल अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये होगा 180 डिग्री, यानी 2 पाए, इनफैक्ट पाए माइनस 2x। तो अगर आप पाए माइनस 2x करेंगे तो हो जाएगा पाए माइनस पाए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 पाए बाय एन। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि हो जाएगा 2 पाए बाय एन। तो ये एंगल 2 पाए बाय एन होगा। तो अब अगर आप ये देखें कि हमें निकालना है कि इम्पल्स कितना होगा अगर एक बॉल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है इस हेक्सागन में, इनफैक्ट पॉलीगन में, तो इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो इस पोजीशन पे इनिशियल मोमेंटम है एम वी आई कैप। और फाइनली जब ये बॉल यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से टकरा के, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एम वी कॉस एल्फा, लेट सपोज एल्फा ये है, तो एम वी कॉस एल्फा आई कैप प्लस एम वी साइन एल्फा जे कैप। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इम्पल्स होता है, और वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी हो जाएगा ये मोमेंटम माइनस ये, तो एम वी कॉमन, और ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस 1 आई कैप प्लस एम वी साइन अल्फा जे कैप। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं कि जो इम्पल्स आया वो आया वेक्टर फॉर्म में एम वी कॉस अल्फा माइनस 1 आई कैप और एम वी साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा एम वी तो बाहर आएगा और अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा एम वी अंडर रूट में, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन और 1 माइनस कॉस अल्फा। और आपको आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है कि 1 माइनस कॉस अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये जे हो जाएगा एम वी अंडर रूट 2, इसको आपने लिखा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और जे आ जाएगा 2 एम वी साइन अल्फा बाय 2। अल्फा की वैल्यू हमने पहले ही देखी थी कि अल्फा की वैल्यू थी 2 पाई बाय एन, तो जे आ जाएगा यहाँ पर 2 एम वी साइन पाई बाय एन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेक्शन चेंज हो गया है। इस सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक से ज़्यादा चॉइसेस भी करेक्ट हो सकती है, और मार्किंग स्कीम आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, और ये पार्टिकल रेस्ट पे है ओरिजिन पे, और उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो एक्स एक्सिस में मूव करने लगता है। फोर्स भी एक्स एक्सिस में लगाइए, और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है कि डी के बाई डी टी है 3t² प्लस 2t। तो आपको पता होगा कि डी के बाई डी टी पावर होती है, और पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो अगर हम अभी डी के बाई डी टी को इंटीग्रेट करें ऐसे और डी टी ऊपर ले जाएं और लिमिट लगा दें 0 से k, क्योंकि इनिशियली
ये पार्टिकल रेस्ट पे था और टाइम जीरो से टी, तो के जो है वो आएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, और के होगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम वन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा टू टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर, और v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो हमारा v आया है, यहाँ हम अगर t बराबर 1 सेकेंड रख के देखें तो v यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2, और जो पावर है dk बाई dt, तो एट 1 सेकेंड जो पावर आएगी वो 5 आएगी, अब देख सकते हैं। तो पावर होता है एफ डॉट वी, और पावर 5 है, और एफ जो है वो हो जाएगा 5/2 विच इज़ 2.5। तो ए ऑप्शन गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। पर बी ऑप्शन करेक्ट है, और सी ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल is directly proportional to the time, तो वो नहीं है, मतलब linearly proportional नहीं कह सकते आप इसे। और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कहता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी और डी। ओके, और इसमें अगर किसी बच्चे ने ये ऑप्शन सी भी लगाया और वो ये सोच रहा है कि सी में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये वेलोसिटी लीनियरली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो लीनियरली प्रोपोर्शनल ये नहीं है, और इसीलिए हम डी ऑप्शन सी ऑप्शन को करेक्ट मार्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ बी और डी ऑप्शंस करेक्ट बता रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो बॉल्स हैं ए और बी, जिनके मासेस है 2 kg दोनों के, और ए जो है वो 4 m/s से चल रही है तो टूवर्ड्स राइट, और बी चल रही है टूवर्ड्स लेफ्ट विद 6 m/s। दोनों में कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, तो हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो हम जानते हैं कि इनिशियली सबसे पहले अगर हम मोमेंटम लिखें तो मोमेंटम होगा 2 × 6 माइनस 2 × 4। मैंने बी वाली बॉल के डायरेक्शन को प्लस मान लिया, तो 2 × 6 माइनस 2 × 4 बराबर, और मैं अब ऐसा मान रहा हूँ कि ऑब्वियसली क्योंकि बी का मोमेंटम ज़्यादा है और वो पीछे है, तो फाइनल मोमेंटम भी पीछे ही होगा, तो मैंने फाइनली माना कि ए भी पीछे जा रही है V1 से और बी भी पीछे जा रही है V2 से। तो अब मैं मोमेंटम लिख रहा हूँ 2V1 + V2। तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2V1 + V2, और V1 + V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ओके, तो ये तो V1 + V2 आया। अब दूसरी बात है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक हुआ है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले है और जो बाद में है वो बराबर होगी, तो बाद में रिलेटिव होगी V1 - V2, और इनिशियली रिलेटिव है 10 और वो 1 होगा, तो V1 - V2 जो हो जाएगा 10। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि 2V1 जो है वो 12 आ रहा है और V1 आ रहा है 6, और V2 जो आएगा वो आएगा -4। तो इसके हिसाब से हमें पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन इज 6, तो ए की स्पीड 6 है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ड्यू टू कोलिजन, तो देखिए यहाँ गौर कीजिए कि ये सिर्फ लॉस ऑफ बी पूछ रहा है,
और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इलास्टिक कोलिजन में तो लॉस होता ही नहीं है, तो वो पूरे सिस्टम के लिए लॉस नहीं होता, पर किसी एक का तो लॉस हो ही सकता है और दूसरे का वो गेन हो जाएगा। तो अगर आप बी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो बी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम है 2 और जो वी है बी का वो 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बी की वो है हाफ एम वी स्क्वायर, जो अब वी है बी का वो है -4, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव साइन से काइनेटिक एनर्जी को, तो ये एम और 2 बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 16। तो जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो हुआ 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए ड्यू टू कोलिजन इज़ 0, तो अगर आप चेक करेंगे ऑब्वियसली कि अगर लॉस हुआ है बी का तो ए का गेन हुआ होगा, और ये हुआ है क्योंकि ए पहले 4 से चल रहा था और अब ए चल रहा है 6 से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 0 नहीं होगा। और टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक ए एंड बी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन 0, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि टोटल लॉस नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखें कि एक ब्लॉक है 10 kg का, वो ग्राउंड पर रखा है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, और एम जी 100 है तो नॉर्मल रिएक्शन इसका 100 होगा। अब ये ब्लॉक को ऑब्जर्व दो लोग कर रहे हैं, एक तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है जो शो नहीं कर रखा है क्वेश्चन में, और एक ऑब्जर्वर एक लिफ्ट में है जो कि ऊपर 5 m/s² से जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमें सही ऑप्शंस चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है कि जो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रही है उसका वर्क डन उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 होगा जो ग्राउंड पर खड़ा है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऑप्शन बी बोलता है कि वर्क डन जो नॉर्मल रिएक्शन का ब्लॉक पे हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विच इज़ इन द लिफ्ट इन फर्स्ट 2 सेकेंड से 0, ये गलत है क्योंकि जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो लिफ्ट क्योंकि ऊपर जा रही है तो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है। तो अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है उस ऑब्जर्वर के लिए, तो वर्क डन 0 नहीं होगा। अब सी ऑप्शन जो है उसमें हम देखें कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कि कितना ऊपर गई लिफ्ट, तो हाफ ए टी स्क्वायर से आप निकालोगे, और हाफ जो ए है वो 5 है और टी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो अगर लिफ्ट पहले 2 सेकेंड में 10 m ऊपर गई है तो ये ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 10 m नीचे गया होगा। तो अगर हम वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालें ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और क्योंकि उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो एक नेगेटिव साइन के साथ यहाँ आएगा, तो यह आ जाएगा -1000। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी बोलता है कि वर्क डन बाय एम जी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड 0, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो एम जी फोर्स लग रहा है और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का 0 है, और इसलिए एम जी का वर्क डन 0 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि दो बॉल्स हैं, एक 2 kg की एक 6 kg की, और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और दोनों की स्पीड है 6। तो आप ये देखिए कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा 36 - 12 पीछे की तरफ, विच इज़ 24। अब इनमें कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो मैंने माना कि फाइनली दोनों बॉल पीछे ही जा रही हैं क्योंकि नेट मोमेंटम पीछे की तरफ है, तो ये V1 से जा रही है और ये V2 से जा रही है,
तो फाइनल मोमेंटम मैं लिखूंगा 2v1 प्लस 6v2, और मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दूंगा। तो 24 विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस 6v2, और v1 प्लस 3v2 हो जाएगा 12। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि इनमें कोलिजन इलास्टिक हुआ है, तो अगर मैं E का डेफिनेशन लगाऊं, जो E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो E होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जो कि v1 माइनस v2 है, और बिफोर कोलिजन ये रिलेटिव वेलोसिटी 12 है और ये 1 है, तो v1 माइनस v2 जो होगा वो 12 होगा। तो अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अगर 1 माइनस 2 मैं करूँगा तो 4v2 आ जाएगा 0, और v2 आप देख सकते हैं कि v2 हो जाएगा 0, और अगर v2 0 हो गया तो v1 हो जाएगा 12। तो हम ऑप्शन ए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वो ये कह रहा है कि द कॉमन स्पीड ऑफ बॉल्स ड्यूरिंग कोलिजन इज मैक्सिमम एट द डिफॉर्मेशन एंड इट वुड बी 3। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों बॉल में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब इनकी स्पीड 3 होगी। तो मैं आपको पता है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के वक्त पे ये बॉल में जो डिफॉर्मेशन है ये हाईएस्ट होता है, और इनकी स्पीड हमेशा सेम होती है इस वक्त, तो ये 2 और ये 6 kg। तो इस वक्त का जो मोमेंटम है वो होगा 8v, और वो 8v जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो v हो जाएगा 3। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन बी है कि जो इम्पल्स बॉल बी जो 2 kg मास की बॉल है वो जो 6 kg पे लगाएगी टोटल इम्पल्स, वो 36 का इम्पल्स लगाएगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो v2 है वो 0 हो गया, यानी जो 6 kg की बॉल है वो फाइनली रुक गई, और उसका इनिशियल मोमेंटम 36 था, तो चेंज इन मोमेंटम 36 हुआ और इसीलिए उस पर इम्पल्स भी 36 लगी। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जो इस 2 kg की बॉल है उसका जो कोलिजन के बाद का स्पीड है वो 12 होगा, ये सही है बिल्कुल, और दो स्पीड ऑफ 6 kg बॉल आफ्टर कोलिजन इज 0, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ABCD। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, और उस ब्लॉक को हमने 1/2 meter लेंथ की रोप से वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है। एक बुलेट है जिसका मास है 100 grams और उसकी स्पीड है 80, वो इसमें आके स्ट्राइक करती है, पेनिट्रेट करती है और इसे पार करके निकल जाती है 20 meters per second से। तो हमें सही ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज कि जो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट का, हम उसकी बात करते हैं। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है m, विच इज़ 0.1, एंड v इज़ 80, सो ये 8 है, और फाइनली जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है वो आप देख सकते हो कि 1 × v प्लस 0.1 × 20 है पूरे सिस्टम का मोमेंटम। तो ये जो है दोनों मोमेंटम बराबर होंगे क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 8 है वो बराबर होगा v प्लस 2 के, तो v बराबर हो जाएगा 6 के। तो जो ये ब्लॉक है इसकी स्पीड हो जाएगी 6। तो अगर हम ये चेक करें कि ये ब्लॉक जो है ये कितनी हाइट पे जाएगा, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है पूरा वर्टिकल सर्कल करने के लिए वो वी मिनिमम होती है √5gl। अब क्योंकि यहाँ पर जी 10 और एल 1/2 है, तो आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम स्पीड 5 है। तो ऑब्वियसली कि अगर ये मिनिमम स्पीड 5 है और यहाँ पे इसकी स्पीड 6 है, तो ये पूरा वर्टिकल सर्कल बनाएगा, और अगर ये वर्टिकल सर्कल बनाएगा तो ये जिस हाइट पर जा रहा है मैक्सिमम वो एल का 2x होगा, यानी 1 meter होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही है।
अब दूसरा केस है कि एट सम पॉइंट इन द मोशन इट्स टेंशन विल बी जीरो। तो अगर हम जानते हैं कि जो मैग इस केस में वर्टिकल सर्कल पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होती है लोएस्ट पोजीशन पे, और टॉप पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होती है, और मिनिमम टेंशन टॉप पोजीशन पे ज़ीरो नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि टेंशन ज़ीरो कहीं पे भी नहीं होगी, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है कि टेंशन जो है वो कहीं ज़ीरो नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम हाइट पे टॉप पोजीशन पे 8 होगी। तो वो हम चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वो है हाफ, इसका एम है 1 और वी स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी है 18। जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो जो डेल्टा यू होगा वो होगा एम जी डेल्टा एच। एम जो है वो इसका 1 kg है, जी 10 है, और ये 1 m ऊपर गया तो ये 10 होगा। तो अगर टॉप पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट एम जी विच इज़ 10। सो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 18 - 10, जो कि 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये एक पाथ है और ये हाइट है एच, ये लेंथ है एल। एक ब्लॉक को इस कर्व्ड पाथ पे इस तरह से ले जा रहे हैं कि ब्लॉक बहुत ही स्लोली जा रहा है, मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और जो एफ लगा रहे हैं वो हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं हमेशा। तो ये फिक्स है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा और पीछे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, है ना। तो अगर मैं ये एंगल को थीटा मान रहा हूँ तो ये एम जी साइन थीटा होगा, और ये एंगल 90 - थीटा, ये एंगल थीटा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। और क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और जो एफ है हमारा वो, क्योंकि ब्लॉक पे नेट फोर्स ज़ीरो है, एफ नेट ज़ीरो है ब्लॉक पे ऑन ब्लॉक, तो हम बोल सकते हैं कि एफ जो होगा वो फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो सबसे पहले तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो हम अगर बात करें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर हम ऐसा मानते हैं कि एक छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया हमने डीएल, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डीएल। अब आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है उसमें ये डीएल है, और ये जो है ये डीवाई मान लिया हमने। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये डीएल और ये लेंथ जो ऊपर गया डीवाई और ये डीएक्स और ये एंगल थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि डीएल साइन थीटा डीवाई। ये बड़ा यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी, और ये डीएल कॉस थीटा जो है वो आप देख सकते हैं डीएक्स है। और अगर मैं इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकालूं तो ये माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स आएगा, जहाँ पे टोटल एक्स का डिस्प्लेसमेंट एल है, तो ये हो जाएगा एल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज माइनस म्यू एम जी एल, ये बिल्कुल सही है।
अब अगर इसी तरह से वर्क डन बाय एमजी की बात करें, तो वर्क डन बाय एमजी जो होगा वो होगा एमजी इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ एमजी हम जानते हैं कि एमजी जो है वो एमजी कॉस थीटा तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस है और ऐसे मोशन नहीं हो रहा, तो जो वर्क डन बाय एमजी होगा वो एमजी साइन थीटा की वजह से होगा, और क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है और एमजी साइन थीटा नीचे लग रहा है तो ये वर्क डन भी नेगेटिव होगा। तो एक तो एमजी साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन और एक डीएल। अब डीएल साइन थीटा आप देख सकते हो डी वाई है, तो वर्क डन बाय एमजी हो जाएगा माइनस एमजी डी वाई, और क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आप करके देखोगे तो डी वाई यानी वाई का डिस्प्लेसमेंट, तो वाई के डिस्प्लेसमेंट का टोटल इंटीग्रेशन आएगा एच, तो जाएगा माइनस एम जी एच। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है कि वर्क डन बाय एफ ऑन द ब्लॉक इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज एम जी एच, ये गलत है क्योंकि एफ तो दोनों ही फोर्सेस का सम है, हम देख चुके हैं बात। और अगर हमसे बोला जाए वर्क डन बाय एफ ऑन द ब्लॉक इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों फोर्सेस का वर्क डन का सम हमें करना है और एफ का वर्क डन प्लस आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए बी और डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सेक्शन में ये सेक्शन थ्री है, इसमें कुल तीन सवाल हैं, तीन क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन में की वेटेज है 3 मार्क्स, तो टोटल 9 मार्क्स का सेक्शन है, और इसमें 0 से 9 तक के सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, और अगर आप सही करते हैं तो +3 अवार्ड होंगे, और अगर आपने और किसी केस में आपको -1 अवार्ड होंगे। तो इसमें पहला सवाल ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg और वो एक्स एक्सिस पे चलने के लिए फ्री है। वो एक्स पे इनिशियली t=0 पे रेस्ट पे था, और उस पर हमने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाई जो इस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो हमें बताना है कि पहले 5 सेकंड में ब्लॉक पे वर्क डन कितना हुआ है। तो दोस्तों कभी भी बच्चों अगर ये क्वेश्चन आए इस टाइप का जिसमें आपको एफ और टी का ग्राफ दिया जाए और वर्क डन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ जो होता है वो आपको चेंज इन मोमेंटम देता है, और क्योंकि इस ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर एरिया होगा इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ, और फाइनल मोमेंटम क्योंकि इनिशियल 0 है तो वो होगा एरिया, और इसका एरिया अगर आप एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे तो वो आएगा 1/2 5 × 8 विच इज 20। तो ये फाइनल मोमेंटम 20 आएगा इस ब्लॉक का, और अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालूं या अगर मैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है p² / 2m, तो ये हो गया 400/2 × 4। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 आ गया, ठीक है। तो ये अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 आ गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था तो 0 थी, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 50 है और इनिशियल 0 है, तो वर्क डन हो जाएगा 50 joules, ठीक है। तो ये था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg। इस पार्टिकल पे हमने एक ऐसी फोर्स लगाई है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है 2.2 watts की, और इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 5 थी। तो हमें बताना है कि 5 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पावर dW/dt होती है, और क्योंकि यहाँ पर पावर कांस्टेंट है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होगी। तो हम dW अगर निकालें तो वो जाएगा 2.2 dt, और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो W आ जाएगा 2.2 × t। तो अगर 5 सेकंड की बात करें
तो वर्क डन आ जाएगा 11 जूल्स, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो 11 विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम टू है और वी स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा के फाइनल विल बी इक्वल टू 36. अब ये हाफ एम टू है और वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा 6. तो करेक्ट आंसर इसका होगा 6. अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसका मास 6 केजी है और वो ओरिजिन पे रेस्ट पे रखा हुआ है इनिशियली. इस पे अब एक फोर्स लगने लगी ऊपर की तरफ जो 10+20y जे कैप है, और हमें बताना है कि जब ये y बराबर 5 को क्रॉस कर रहा होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी. तो हम सिंपल सी बात ये करेंगे कि जो वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन f डॉट dy, बिकॉज y में ही f लगाया और y में डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था. तो हो जाएगा 10+20y इंटू डी वाई. तो लिमिट हम लगा देंगे 0 से लेकर 5 तक, और वर्क डन हो जाएगा 10y+10y2. तो वर्क डन हो जाएगा 10y कॉमन 1+y. जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 5 तो वर्क डन आ जाएगा 50 × 6 और -0, तो ये हो जाएगा 300. तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो 0 थी, ये वर्क डन के बराबर, और हाफ एम जो कि 6 है, वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 थी वो 300 के बराबर. तो वी स्क्वायर जो है वो 100 आ गया और वी आ गया 10. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 10. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये हाइट 8 है और ये 4 है, और ये एक पैराबोलिक शेप की रिम है. हम एक ब्लॉक को यहाँ से ऊपर तक ले जा रहे हैं, पर हम अपनी फोर्स एक ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है 37 न्यूटन, और डायरेक्शन भी हमेशा एसी लाइन के अलॉन्ग है. यानी जब ब्लॉक यहाँ होगा तो भी एसी के पैरेलल ये फोर्स लग रही होगी. तो हमें बताना है कि जब ब्लॉक टॉप पॉइंट पर पहुँचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होती है, और हम अगर सीधा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये लेंथ आएगी 10, और अगर हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट, जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 37 न्यूटन, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा. तो वर्क डन आ जाएगा 37 × 10 × cos 60 विच इज़ हाफ. तो ये 37 × 5 हो जाएगा जो 185 होता है. अब क्योंकि ब्लॉक ऊपर भी गया है स्लोली, तो ब्लॉक जो है उसका वर्क डन जो है बाय एमजी या अगेंस्ट एमजी, क्योंकि ब्लॉक ऊपर गया है तो एमजी नीचे लग रहा होगा, तो वो होगा एमजीएच, और वो हो जाएगा एम जो कि 2 है, जी 10 और एच 8. तो ये वर्क डन आ जाएगा 160. तो अगर ये वर्क डन अगेंस्ट एमजी है और ये तो वर्क डन बाय एफ है, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम जानते हैं कि एफ ने ज़्यादा वर्क डन किया, और 185 में से 160 वर्क डन चला गया अगेंस्ट एमजी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 25. तो इसका सही आंसर है 25. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है
और स्ट्रिंग की लेंथ है आर। इस पोजीशन में उसकी स्पीड है अंडर रूट 4gr। तो हमें टॉप पॉइंट पे निकालना है स्ट्रिंग में टेंशन। तो हम जानते हैं कि इस पोजीशन में mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा और बाहर लग रहा होगा mv2/r, जहाँ v ये है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 4mg है। तो जो टेंशन T1 होगी वो 4mg होगा। अब हम एक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा अगर सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो जो ये पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ की टेंशन माइनस टॉप पोजीशन पे जो टेंशन होगी, इनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 3mg होता है। तो हमको अगर टॉप पोजीशन की टेंशन निकालनी है तो ये T1 माइनस 3mg हो जाएगा। तो T2 हो जाएगा T1 जो 4mg था और -3mg, तो ये हो जाएगा mg के बराबर। तो n यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक बॉल है जिसको ग्राउंड से हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल स्पीड V0। ये एंगल थीटा है। अब जब ये वाई कॉम्पोनेंट VY की बात करूँ तो ये होगा V0 sin थीटा, और एक्स कॉम्पोनेंट की बात करूँ, इनको इसको UX UY और UX मानता हूँ, तो UX होगा V0 cos थीटा। अब क्योंकि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया हुआ है, तो जब ये वापस टकराएगा तो जो वाई वाला कंपोनेंट होगा ये हम जानते हैं वो ई टाइम्स हो जाएगा। तो जो नया वाई वाला कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा हाफ ई टाइम्स ऑफ पुराना वाला कंपोनेंट, या हम इसको ई ही लिख देते हैं। पर ये तो एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन हम नहीं मान रहे। और फिर ये वापस टकराएगा तो जो और नया वाला वाई कंपोनेंट होगा वो होगा E²UY एंड सो ऑन। तो अब इस केस में आप अगर इसको देखेंगे तो ये जो टाइम लगेगा, लेट सपोज ये टाइम है T0, तो T0 होगा 2UY/g, और ये टाइम हमने माना T1। तो T1 होगा, क्योंकि टाइम UY पे डिपेंड करता है और U जो है वो E से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि T1 होगा E टाइम्स ऑफ T0। फिर T2 होगा E²(t0) एंड सो ऑन। तो जो टोटल टाइम होगा वो होगा T0 + E T0 + E²(t0) एंड सो ऑन। एंड T0 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + E + E²(+E³) ऐसा चलता जाएगा। तो ये एक GP है और इसका जो सम होगा वो होगा 1/(1 - R) वेयर R इज E। तो क्योंकि E हाफ है तो ये 2T0 हो जाएगा, और 2T0 यानी 2V0, इनफैक्ट T0 ये था, तो ये हो जाएगा 4V0 sin θ/g। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप है, पर ये बड़ा इजी रहता है चूज करना है। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसमें सबसे पहले ये दिया है कि ये एंगल थीटा है और ये एक बॉल इस तरीके से रोटेट कर रही है कि ये जस्ट अपना वर्टिकल सर्कल पूरा कर रही है, और यहाँ पर स्ट्रिंग जस्ट स्लैक होने से बच रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये मिनिमम कंडीशंस में रोटेट कर रही है, और यहाँ पर इसकी स्पीड होगी √5gl, और यहाँ पर थीटा होगा 180 डिग्री, और इस पोजीशन में थीटा होगा 90 डिग्री, और स्पीड होगी √3gl। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर मैं सिर्फ क्यू ऑप्शन को देखूँ, जब थीटा 90 है तो जब थीटा 90 होगा तो स्पीड होगा √3gl, और जब थीटा 180 होगा तो स्पीड होगा √5gl। तो अगर मैं सिर्फ क्यू और एस से देखूं तो क्यू का 4 होना चाहिए और एस का होना चाहिए फर्स्ट।
तो देखिए क्यू का फोर कितने ऑप्शंस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। तो सिर्फ ये ही देख के हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास है एम, और उसको हमने एच हाइट से रिलीज करा है, जहाँ पे एच है 2 mg/kg। ये एक स्प्रिंग है वर्टिकल प्लेन में जो मासलेस है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और हमें बताना है कि सही मैचिंग क्या है मैट्रिक्स मैच में। और एच यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 mg/kg। ओके, तो अब हम अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम, तो जब कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज दिस, तो जब हम एक डायग्राम बनाएंगे कि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई 3 mg/2 kg, तो अभी देखिए कि टोटल ब्लॉक जो नीचे आया वो आया 2 + 3/2, तो ये 7/2 mg/kg हो जाएगा। तो टोटल मान लीजिए कि एक्स नीचे आया तो एक्स हो जाएगा 7/2 mg/kg। अब जब ये इतना नीचे आया तो वर्क डन बाय mg जो हुआ वो हुआ mg × x, तो ये हो गया 7/2 mg²/kg। ठीक है, अब अगर हम ये तो वर्क डन बाय mg हो गया, अगर हम अब निकालेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन बाय mg होगा वो पार्शियली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगा और पार्शियली वो गया होगा स्प्रिंग में ½ kx² के फॉर्म में। तो वर्क डन बाय mg, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखाऊं, तो वर्क डन बाय mg है 7/2 mg²/kg, और वो होगा किस बराबर, काइनेटिक एनर्जी इसकी प्लस ½ kx², तो ये हो जाएगा ½ k। और x जो है वो क्या होता है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, तो स्प्रिंग कंप्रेस सिर्फ इतना हुई 3 mg/2 kg, तो यहाँ पे 3 mg/2 kg का स्क्वायर आएगा। तो 7/2 mg²/kg बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको k से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, प्लस हाफ, ये हो जाएगा ऊपर 9 mg का स्क्वायर, और नीचे बचेगा नीचे ये है 4 और ये है 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 मैंने अलग से लिख दिया है 4 k। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी mg का स्क्वायर बाय 2 k कॉमन, 7 - 9/4। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आ रही है mg का स्क्वायर बाय 8 k, और ऊपर आ जाएगा 19। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका अगर यहाँ हमसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड अगर हम निकालेंगे तो हाफ mv² से इक्वेट कर देते हैं, तो स्पीड में √19 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सही जो जवाब आएगा वो आएगा पी ऑप्शन का सेकंड। अब आप देखिए कि पी ऑप्शन का सेकंड कितनों में है, तो पी ऑप्शन का सेकंड 2 ऑप्शन में है, सी और डी। अब आपको एक लॉजिकल बात सोचनी है कि इन दोनों में से आंसर है। तो अब अगर आप क्यू पे गौर करेंगे तो क्यू का दोनों में 1 है, तो आपको क्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा आर को चेक कीजिए, क्योंकि इसमें 3 और इसमें 4 है। तो आर कहता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, तो हम अगर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना चाहें तो हम सिंपल इक्वेशन क्या बनाएंगे कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये कुछ हाइट से स्प्रिंग पे गिरा, और वो जो हाइट थी वो हाइट थी 2 mg/kg। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और इसीलिए माना कि मैक्सिमम कंप्रेशन है एक्स। तो वर्क डन बाय एम जी हो जाएगा
MgX। अब मैक्सिमम कंप्रेशन हम अगर x मान लेते हैं तो कंप्रेशन तो स्प्रिंग का है, तो यहाँ से मान लेते हैं x, तो वर्क डन बाय Mg हो जाएगा Mg इंटू 2 Mg बाय के प्लस एक्स, और ये वर्क डन पूरा का पूरा स्प्रिंग में गया होगा क्योंकि इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, एस पी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि वर्क डन बाय Mg जो है वो स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा Mg 2 Mg का स्क्वायर बाय के प्लस MgX बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, पर आपको अगर एक सिंपल सा आप इसमें से थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप ऑप्शन को इसमें से रख के देखिए। तो अगर आप इसमें से बात करें कि हम आर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो आर ऑप्शन में एक 3 और एक 4 है, तो 3 को रख के देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पर Mg बाय के रख दूँ एक्स को, इफ एक्स इज Mg बाय के, तो अभी देखिए कि ये 2 Mg स्क्वायर बाय के प्लस ही हो जाएगा Mg स्क्वायर बाय के, और वहां पे जो आएगा वो आएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स जो है वो Mg बाय के का होल स्क्वायर आ रहा है हाफ के साथ। इसीलिए ये जो है Mg बाय के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर क्योंकि हम स्मार्टनेस से अगर आंसर दें तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है उसका करेक्ट जो मैचिंग है आर ऑप्शन की, वो 3 और 4 में से 3 तो नहीं हो रही है तो 4 होगा। और आप अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके या इसको रख के देखते हैं तो ये मैच हो जाएगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बच्चों ये जो था फर्स्ट पेपर था, और नेक्स्ट पेपर आज ही मैं रिलीज़ करूँगा एट शेड्यूल टाइम, तो हो सकता है शेड्यूल टाइम से थोड़ा पहले भी कर दूँ ताकि आप रेडी रहो मेंटली। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशंस में। थैंक यू।